नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड पंचायत चुनाव पर ताजा अपडेट। जनवरी फरवरी 2022 में हो सकते हैं इलेक्शन, जानिए सरकार की तैयारी। झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि जनवरी फरवरी 2022 में होगा। इस बीच सरकार के स्तर से तैयारियां शुरू कर दी गई है और राज्य निर्वाचन आयोग भी प्रदेश में सुचारू मतदान के लिए नीतिगत निर्णय ले रहा है। बताया जा रहा है कि अगर जनवरी फरवरी 2022 में पंचायत चुनाव होते हैं तो संभव है कि नई मतदाता सूची भी तैयार की जाए। बता दें कि पहले सप्ताह में नई मतदाता सूची का प्रकाशन होता है। अगर मतदाता सूची के प्रकाशन के पूर्व अधिसूचना जारी की जाती है तो चुनाव उस आधार पर होंगे, नहीं तो नई मतदाता सूची के आधार पर चुनाव आयोजित किए जाएंगे। नई मतदाता सूची के आधार पर चुनाव होने पर निर्वाचन विभाग का काम बढ़ जाएगा और फिर से मतदाताओं की सूची तैयार करनी होगी। हजारीबाग के 10 कस्तूरबा स्कूलों में 26 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति, करीब 1100 आवेदन आए। झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत 10 कस्तूरबा स्कूलों के लिए 26 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। शिक्षिका सहित लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के 26 पदों पर महिला की चयन प्रक्रिया के लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय की ओर से विभागीय कार्रवाई पूरी की गई है। झारखंड पुलिस के सामने दो नक्सलियों ने किया सरेंडर, जाने कितना था इनाम। इनामी नक्सलियों ने बुधवार को झारखंड पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इनमें भाकपा माओवादी संगठन के सब जोनल कमांडर विष्णु दयाल नगेशिया और एरिया कमांडर आकाश नगेशिया उर्फ रमेश्वर नगेशिया शामिल है। दोनों ने लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो, पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीना और CRPF कमांडेंट प्रभात कुमार ईदगाकर के सामने आत्मसमर्पण किया है। ये दोनों डेढ़ दर्जन से भी ज्यादा नक्सली वारदातों में वांछित थे और इन पर झारखंड पुलिस ने 1-1 लाख का इनाम घोषित किया था। गढ़वा के करीब 40,000 स्टूडेंट को साइकिल योजना का नहीं मिल रहा लाभ, पैदल ही जा रहे हैं स्कूल। सरकारी विभाग की लापरवाही से इस साल भी गढ़वा के 8वीं कक्षा के सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को साइकिल योजना का लाभ मिलने की संभावना कम है। इससे पहले वित्तीय साल 2020-21 में भी विद्यार्थियों को साइकिल का लाभ नहीं मिल पाया था। टाटा समूह की कंपनियों के गेट पर किया प्रदर्शन, जेएमएम ने दी आंदोलन तेज करने की धमकी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमशेदपुर में टाटा कंसीम समेत टाटा समूह की कुछ कंपनियों के कार्यालय स्थानांतरित करने के विरोध में टाटा समूह की कंपनियां के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ साथ पश्चिम सिंहभूम जिले में टाटा की तरफ से संचालित खदानों के सामने भी झामुमो समर्थकों ने धरना दिया। दीपक बिरुवा सहित झामुमो नेताओं ने नोवा मुंडी बड़ा जामदा में टाटा की खदानों और पश्चिमी सिंहभूम जिले में लैंडिंग साइट के सामने धरने का नेतृत्व किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रस्ताव वापस नहीं लेने पर आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। यूरोपियन यूनियन के संस्था ने लिया राजधानी की योजनाओं का जायजा। राजधानी रांची अब अंतर्राष्ट्रीय शहरों की तर्ज पर विकसित होगा। यूरोपियन यूनियन की संस्था इंटरनेशनल अर्बन एंड रीजनल कोऑपरेशन यानी IURC के अधिकारियों ने राजधानी के विभिन्न योजनाओं का जायजा लेने के बाद बुधवार को रांची नगर निगम के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इसमें शहर के बड़े तालाब समेत अन्य स्थलों के सुंदरीकरण पर मंथन हुआ। साथ ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को हाईटेक करने का भी खाका IURC के अधिकारी के सामने पेश किया गया। इसके बाद IURC के अधिकारी जमशेदपुर पहुंच गए। दूसरा T20 मैच खेलने भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पहुंची रांची, JSCA स्टेडियम में होगी भिड़ंत। दूसरा T20 मैच खेलने भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची पहुंची। दोनों टीम रांची के ट्रेडिशनल ब्लू होटल में ठहरी है। शुक्रवार को JSCA स्टेडियम में दोनों टीम के बीच मैच होना है। इसको लेकर तैयारी पूरी हो गई है। भारत के साथ पहला T20 मैच जयपुर में बुधवार को हुआ था। इसमें के बाद 19 नवंबर यानी आज रांची में दूसरा T20 मैच खेलने के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीम गुरुवार को जयपुर से रांची पहुंची। दोनों टीम के खिलाड़ी समेत अन्य सदस्य राजधानी रांची के रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हैं। क्या स्थगित हो जाएगा रांची में होने वाला दूसरा T20 मुकाबला। झारखंड हाईकोर्ट में मैच के खिलाफ याचिका दाखिल।
भारत न्यूजीलैंड T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को रांची में होना है। मैच से पहले इसे स्थगित करने या सिर्फ स्टेडियम की क्षमता के आधे दर्शकों के साथ ही मैच कराने की अनुमति देने की मांग के साथ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता धीरज कुमार ने झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के JSCA स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में दर्शकों को आने की अनुमति देने के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता ने 100% क्षमता के साथ क्रिकेट मैच के आयोजन की छूट दिए जाने के विरोध किया है। T20 मैच से पहले रांची से रिपोर्ट, झारखंड का ट्रेडिशनल ढुसका नहीं मिलेगा। इंडिया न्यूजीलैंड के प्लेयर्स खाएंगे कोलकाता से आया ग्रीक योगर्ट। रांची के झारखंड स्पोर्ट्स क्रिकेटियम एसोसिएशन स्टेडियम ए 92 का दूसरा T20 मैच इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ आज रांची पहुंचे। होटल रेडिशन ब्लू में दोनों टीम खिलाड़ी के ठहरने की व्यवस्था की गई है। होटल प्रबंधन ने उनके डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच को लेकर खास तैयारी की है। मैच के दिन डिनर स्टेडियम में ही सर्व होगा। हालांकि खिलाड़ियों को मेन्यू में इस बार झारखंड का कोई व्यंजन नहीं रहेगा। झारखंडी ढुसका यानी कोचड़ी जैसा बनता है, जो चावल का बना होता है, काफ़ी मशहूर है। यहाँ आने वाले मेहमानों को यह जरूर परोसा जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। BCCI की ओर से भेजे गए डाइट चार्ट में इसका जिक्र नहीं है। 2 साल पहले हुए अंतर्राष्ट्रीय मैच में इसे परोसा गया था। कंगना रनौत की बढ़ सकती है मुश्किलें, झारखंड बिहार की अदालतों तक पहुंचा मामला, देशद्रोह का FIR दर्ज कराने की मांग। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ झारखंड बिहार की अदालतों तक मामला पहुंच गया है। धनबाद कोर्ट में कंगना के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इसमें देशद्रोह का केस दर्ज करने की अनुमति मांगी गई है। गुरुवार को मामले की सुनवाई होगी, जबकि सहरसा की अदालत में 22 नवंबर की सुनवाई होगी। हेमंत सरकार की पहल से श्रम शक्ति को मिलने लगा अधिकार व सम्मान। करीब 10 लाख कामगार दूसरे राज्यों से लौटे झारखंड। झारखंड में पहली बार कामगारों और श्रमिकों के मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष लगातार इनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में काम कर रहा है। अब अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों एवं कामगारों को वापस उनके घर लाने से लेकर उनके बकाया वेतन को दिलाने एवं अन्य समस्याओं के समाधान में मदद मिल रही है। पिछले लगभग 2 साल में महामारी की वजह से इन श्रमिकों कामगारों को काफी कठिन हालात का सामना करना पड़ा था। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। वीडियो में गाय का गोबर खाता दिखा हरियाणा का डॉक्टर, कहा तन मन पवित्र होते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें हरियाणा के मनोज मित्तल नामक डॉक्टर गाय का गोबर खाते दिख रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पर हमेशा गाय का गोबर लेती थी। अगर हम एक चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन और आत्मा पवित्र हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, लोकतंत्र के खुलेपन का अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करने वाले लोगों को रोकना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी डायलॉग को संबोधित करते हुए गुरुवार को कहा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसका खुलापन है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए इसके खुलेपन का दुरुपयोग करने वाले लोगों को हमें रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष में विश्व नए तरह के टकराव को खतरों का सामना कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने रेजांग ला में नवनिर्मित युद्ध स्मारक का किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के रेजांग ला में नवनिर्मित युद्ध स्मारक का गुरुवार को उद्घाटन किया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1962 की रेजांग लॉ की जंग के शहीदों के सम्मान में बनाए गए इस स्मारक में 2020 लगवान घाटी के शहीद हुए सैनिकों के नाम जोड़े गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, पीएम मोदी की दाढ़ी बढ़ने पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, घटने पर घटते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को एक जनसभा में कहा, जैसे जैसे उनकी यानी प्रधानमंत्री की दाढ़ी बढ़ती है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती है, और जब भी उनकी दाढ़ी कटते हैं तो कीमत कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि महंगाई का असर हर नागरिक पर पड़ रहा है और आपको अब उन्हें सबक सिखाना होगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बोले, बच्चों के पूर्ण COVID-19 टीकाकरण तक नहीं खुलेंगे स्कूल। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंह देव ने गुरुवार को कहा कि राज्य में बच्चों का पूर्ण COVID-19 टीकाकरण होने तक स्कूल नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा, ये केवल पुरुषों को दोबारा खोलने से संबंधित नहीं है, बल्कि सतर्कता से है, जो सबसे अहम है। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके स्टाफ का पूर्ण टीकाकरण हो गया है कि नहीं। RBI अगले साल पायलट के तौर पर लॉन्च कर सकता है डिजिटल करेंसी।
आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के मुख्य महाप्रबंधक पी वासुदेवन के अनुसार बैंक अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में बतौर पायलट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। उन्होंने कहा, यह कहना इतना आसान नहीं है कि सीबीडीसी कल से आदत में शुमार हो जाएगी। आरबीआई विभिन्न मुद्दों पर बारीकियों पर गौर कर रहा है। अगले दिल्ली चुनाव तक यमुना की सफाई के लिए सीएम केजरीवाल ने पेश किए 6 एक्शन पॉइंट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले विधानसभा चुनाव तक यमुना नदी की सफाई के लिए 6 एक्शन पॉइंट बताए हैं, जिनमें सीवर ट्रीटमेंट पर युद्ध स्तर पर कार्य, 4 बड़े नालों की सफाई शामिल है। उन्होंने बताया, 3 औद्योगिक कचरे पर नकेल कसेंगे, 4 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स की गंदगी सीवर में डालेंगे, 5 सरकार खुद घर को सीवर से जोड़ेगी। पंजाब के सीएम बोले, पंजाब में पराली जलाने को लेकर किसानों के खिलाफ दर्ज पुराने मामले रद्द होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को बताया कि किसानों के खिलाफ पराली जलाने को लेकर दर्ज पुराने मामले रद्द किए जाएंगे। उनका यह बयान संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद आया है। हालांकि उन्होंने कहा, सरकार नहीं चाहती कि किसान पराली जलाए और इस पर सख्ती बरती जाएगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा, हरियाणा में 1 दिसंबर से दोबारा पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि 1 दिसंबर से राज्य में स्कूल दोबारा पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। उन्होंने कहा, फिलहाल बच्चे घर से बाहर खाना लेकर आएंगे और 1 जनवरी से हम दोबारा मिड डे मील शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली से सटे NCR के जिलों में वायु प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद किए गए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।